हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट लार्वल्स। बच्चों, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि नीट 2022 की एक्सपेक्टेड डेट क्या रहने वाली है। नीट 2022 मई में होगा या फिर जून के मंथ में होने वाला है। तो बेटा देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर 29 दिसंबर को एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, जिसके अंदर बोला गया था द नीट यूजी 2022 will however be conducted as scheduled in May। तो जो आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का, वो बोलता है कि नीट यूजी 2022 जो है अपने शेड्यूल्ड के हिसाब से मई के मंथ में ही होने वाला है। लेकिन बेटा, टाइम्स नाउ के अंदर 16 दिसंबर को एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, जिसके अंदर बोला गया था द नीट 2022 विल बी कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इट इज लाइकली दैट नीट 2022 एग्जाम विल हेल्ड इन जून एंड द एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी एक्सपेक्टेड आफ्टर जनवरी। तो ये क्लियरली बोल रहा है कि जो नीट का एग्जाम है वो जून के मंथ में होगा, और जो इसके लिए एप्लीकेशन है वो कब से एक्सपेक्ट की जा सकते हैं, जनवरी से एप्लीकेशन लेने शुरू किए जा सकते हैं। However, there is no official confirmation। इस न्यूज की कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है by NTA। बट यहां पर बोला गया है शेड्यूल्ड टेंटेटिव, वो भी बताया गया है, जो रजिस्ट्रेशन है वो जनवरी में स्टार्ट कर दिया जाएगा, एडमिट कार्ड अप्रैल तक रिलीज हो सकते हैं, और जो एग्जाम है जून के अंदर रिलीज किया जा सकता है। ये जो डेट्स है ये किसके ऊपर बेस्ड है? बेस्ड ऑन दी फीडबैक फ्रॉम दी एक्सपर्ट एंड दी पास्ट पैटर्न। जो एक्सपर्ट है उन्होंने बताया और पास्ट में क्या ट्रेंड रहा है उसके हिसाब से बताया गया है। तो ये टाइम्स नाउ के आर्टिकल में पब्लिश था। लेकिन बेटा, हमारे पास कुछ ऐसे सॉलिड रीजन है अगर जिनको हम देखें तो हमें पता चलेगा कि नीट 2022 पोस्टपोन्ड हो सकता है। तो जिनमें से सबसे पहला रीजन आता है, अभी तक नीट 2021 की काउंसलिंग भी कंप्लीट नहीं हुई है। बेटा, अगर नीट 2021 की काउंसलिंग कंप्लीट ही नहीं हुई है तो नीट 2022 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म अभी से भरने कैसे शुरू किए जा सकते हैं? क्योंकि एक बार काउंसलिंग कंप्लीट होगी उसके बाद भी कम से कम 3 to 4 months लग जाते हैं कोई भी एग्जाम को कंडक्ट करवाने में। अब 3 से 4 महीने आप पूछोगे, सर इतना टाइम क्यों लगता है? तो बेटा, इसका भी रीजन है, हमारे पास जो 3 से 4 महीने लगते हैं उसके अंदर फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस होती है। एक बार फॉर्म्स फिलअप हो जाते हैं उसके बाद करेक्शन विंडो ओपन होती है, उसके बाद सेंटर अलॉटमेंट की प्रोसेस होती है, और लास्ट में एडमिट कार्ड रिलीज किए जाते हैं, जिसके बाद जाके कहीं नीट का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। बेटा, और एक सॉलिड रीजन हमारे पास है, द न्यू थर्ड वेव ऑफ कोरोना। जो हमारे पास ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसकी थर्ड वेव स्टार्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से कॉलेजेस जो है वो बंद किए जा रहे हैं, स्कूल्स बंद किए जा रहे हैं, जिम मार्केट प्लेस बंद किए जा रहे हैं। तो अगर इन चीज को अगर हम देखें तो नीट का एग्जाम कैसे कंडक्ट करवाया जा सकता है? और अभी जनवरी आ गई है, अभी तक हमारे पास एप्लीकेशन के बारे में कोई भी नोटिफिकेशन एनटीए ने रिलीज नहीं किया है। तो बेटा, ये तो कोई भी नहीं बता सकता कि नीट 2022 की फाइनल डेट क्या होगी। फाइनल डेट जो है वो सिर्फ एनटीए रिलीज करने वाला है, तो हमें एनटीए के नोटिफिकेशन का वेट करना ही होगा। दैट्स इट बेटा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।